So today we'll discuss the next topic of the chapter 4, moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer, MCG. शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर। देखिए, अब सबसे बेसिकली डिवाइस जो है वो है गैलोनोमीटर। इसको मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है। गैलोनोमीटर क्या होता है, गैलोनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस कौन सी है, गैलोनोमीटर। इसी डिवाइस के थ्रू हम क्या फॉर्म करते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर फॉर्म करते हैं। एमीटर जो है वो डिवाइस है जो सर्किट में करंट को मेजर करती है, और वोल्टमीटर सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो वोल्टमीटर हम यूज करते हैं। तो वोल्टमीटर और एमीटर का जो फॉर्मेशन है वो गैलोनोमीटर से ही होता है, और गैलोनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। नाउ दिस डिवाइस इज नोन एज मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर बोलते हैं। मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कंपोनेंट होता है एक कॉइल होती है, एक कॉइल है विच रोटेट्स इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो कॉइल क्या होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, रोटेट होती है। और इस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं, मूविंग कॉइल गैलोमीटर। क्यों बोल रहे हैं मूविंग कॉइल गैलोमीटर, क्योंकि इस डिवाइस का जो मेन कंपोनेंट है एक कॉइल होती है, वो कॉइल जो है दैट कॉइल इज रोटेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मतलब जितना ज्यादा कॉइल रोटेट होगा उससे अटैच जो पॉइंटर होगा वो उतना ही ज्यादा रोटेट करेगा और उतना ही वो ज्यादा करंट की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। मतलब जितना सर्किट के अंदर करंट ज्यादा होगी कॉइल का रोटेशन उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा करंट का डिटेक्शन करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस डिवाइस इज नोन एज मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर। इसका जो मेन कंपोनेंट है, जो कॉइल है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है। क्यों रोटेट हो रही है, क्योंकि उस पर टॉर्क एक्टिंग क्या कर रहा है, टॉर्क एक्ट कर रहा है। द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस डिवाइस इज अ कॉइल विच रोटेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस डिवाइस इज नोन एज मूविंग कॉइल गैलोमीटर। अब हम पहले इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और फिर उसका वर्किंग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, एक कॉइल है विच इज वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो कॉइल है दैट कॉइल इज मेड अप फ्रॉम कॉपर वायर, इसकी बनी हुई है कॉपर वायर की कॉइल है, जिसको हम एक सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या कर रहे हैं, वाउंड कर रहे हैं। ये हमारा एक स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर पर हमने क्या किया, इस तरीके से एक कॉइल को इस सॉफ्ट आयरन कोर पर आगे और पीछे इस तरीके से वाउंड कर दिया, ऐसे आगे पीछे ऐसे वाउंड कर दिया। ये सॉफ्ट आयरन कोर और ये आपकी कॉइल, ये कॉइल जो है कॉपर वायर की फॉर्म की हुई है, ठीक है। और इस तरीके से इसको इस स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ हमने क्या किया है, कॉइल को वाइंड कर दिया। अब इस कॉइल की मोशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है, एक एयर स्प्रिंग ली है,
and that hair spring is made up from phosphorus bronze. The motion of this coil is controlled by a hair spring which is made up from phosphorus bronze. और उस फाइल को इस तरीके से शोल्डर कर दिया इसके ऊपर. ये आपका पिवोट है. ये क्या है? पिवोट मतलब इस, ये आपकी हेयर स्प्रिंग है. ये स्प्रिंग जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज की है. इसके एक एंड को यहां रिंग पर क्या कर दिया है, मतलब कॉइल पर शोल्डर कर दिया है और दूसरे को इस सॉफ्ट आयरन कोर पर शोल्डर कर दिया है. इस कॉइल की जब ये कॉइल क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा, तो उसकी रोटेशन को कौन कंट्रोल करेगा? ये फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो हेयर स्प्रिंग है वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी. एंड हाउ कैन इट कंट्रोल बाय, ये कैसे कंट्रोल कर रही है, बाय प्रोवाइडिंग अ रीस्टोरिंग टॉर्क. देखिए जब ये कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी तो उस रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए इस ये हेयर स्प्रिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी और इट विल प्रोवाइड अ रीस्टोरिंग टॉर्क. क्या प्रोवाइड करेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा. अब इस कॉइल से यानी सॉफ्ट आयरन कॉर्ड से हमने एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर लिया है. ये इस तरीके से एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर जो है इस तरीके से सर्कुलर स्केल पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. क्या कर रहा है? सर्कुलर स्केल पर. ये आपकी स्केल है जिस पर वो क्या कर रहा है, रोटेट. ये स्केल और ये आपका एल्यूमिनियम का पॉइंटर. जब कॉइल रोटेट करेगी तो ये इससे अटैच जो पॉइंटर है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा. अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो हमने कहां प्लेस कर दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए हमने क्या किया, नाउ दिस कॉइल इज प्लेस इन अ सिलेंड्रिकल पोल ऑफ परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल. और ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है वो क्या कर रहा है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है ये क्या है, सिलेंड्रिकल हॉर्सशू मैग्नेट है. आपने पूरे सेटअप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया. क्या कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया. लेकिन थोड़ा सा अब ये जो हॉर्सशू मैग्नेट्स हैं, ये हॉर्सशू मैग्नेट्स क्या करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं. कैसा फील्ड प्रोवाइड करते हैं, रेडियल मैग्नेट. अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एंगल बनता है. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, वो जो एंगल रहेगा, देखिए टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा 90 रहेगी. मतलब कॉइल कैसे भी रोटेट करे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल का जो नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा. नॉर्मल ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा, क्योंकि थीटा क्या है आपका, दैट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, कि आपका कॉइल किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे
आपका जो थीटा रहेगा मतलब नॉर्मल ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल रहेगा वो हमेशा 90 रहेगा। जैसे ये 90 हो जाएगा टॉर्क विल बी मैक्सिमम, तो टॉर्क हमेशा क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा। सो दैट इज बेसिकली रोल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर जब भी कॉइल रोटेट करेगी नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एट दैट सिचुएशन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क इज NIA। अब इसके अंदर ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, व्हाई वी आर वाउंड द कॉइल ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू मैग्नेट प्रोवाइड कर रहा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो परमिएबिलिटी है वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉइल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, क्या होगा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, इट विल डिटेक्ट स्मॉल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर का क्या रोल है, इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल इंक्रीजेस। तो ये दो जो पार्ट है ये क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत बार पूछे जाते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। इज इट क्लियर, कंस्ट्रक्शन समझ में आया। एनी डाउट इन द कंस्ट्रक्शन, वंदन मान्या डाउट बेटा, वंदन हाँ बोलो बेटा एक बार वापस से बताएं। चलिए मैं वापस से एक बार शॉर्ट वे में वापस से बता रहा हूं। द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस डिवाइस इज अ कॉइल मेड अप फ्रॉम कॉपर वायर वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन कोर से उसको बाउंड किया गया है, ये आपका मेन कंपोनेंट है ठीक है। नाउ द मोशन ऑफ दिस कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय हेयर स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है आपकी, दिस स्प्रिंग इज मेड अप फ्रॉम फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। हाउ कैन इट कंट्रोल द मोशन ऑफ दिस कॉइल, इट प्रोवाइड अ रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे ही कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी आपका स्प्रिंग क्या करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा बाय प्रोवाइडिंग अ रीस्टोरिंग टॉर्क, सो इट विल कंट्रोल द मोशन ऑफ दिस मेन कॉइल। अब इस हेयर स्प्रिंग के एक एंड को हमने इस कॉइल पर क्या कर दिया है शोल्डर कर दिया, ये पिवट है, पिवट मतलब फिक्स एंड शोल्डर कर दिया, और दूसरे एंड को हमने इस सॉफ्ट आयरन कोर पर शोल्डर कर दिया। तो जब कॉइल घूमेगा तो क्या होगा स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, वो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी, क्या करेगी रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी। अब इससे एक हमने पॉइंटर अटैच कर दिया है, या पॉइंटर जो है एल्यूमिनियम का है, जितना ज्यादा रोटेशन होगा कॉइल का उतना ज्यादा ये जो पॉइंटर है वो सर्कुलर स्केल पर रोटेट करेगा, मतलब जितना ज्यादा करंट होगी सर्किट के अंदर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कॉइल पर उतना ही ज्यादा टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क की वजह से कॉइल उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो पॉइंट उतना ही ज्यादा सर्कुलर स्पीड पर रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब इस पूरे सिस्टम को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया बेस कर दिया जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है कि आपका प्लेन ऑफ द कॉइल किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज मेंटेन पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मल ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखिए हमने टॉर्क का जो
एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था, इज टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मल ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक। और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, हमने कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर पर माउंट किया हुआ है। क्यों माउंट किया? ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई कर सके, ताकि कॉइल का सेंसिटिविटी बढ़ जाए। इज इट क्लियर? अब देखिए, इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। वर्किंग में ज्यादा कोई कैलकुलेटर या मैथमेटिकल पार्ट नहीं है। वर्किंग क्या है? जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, रोटेट क्यों करेगी? क्योंकि इस पर टॉर्क एक्टिंग करेगा। सो वर्किंग क्या है देखिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड tau is equal to n i a b sin theta। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है रेडियल फील्ड की वजह से, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो tau मैक्सिमम हो गया n i a b। इस टॉर्क की वजह से क्या होगा? कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल कि आपका कॉइल जो है वो क्या हुआ, कितना रोटेट हुआ? थीटा एंगल से रोटेट हुआ, ठीक है। सो लेट्स सपोज ड्यू टू दिस टॉर्क कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड बाय एंगल थीटा। थीटा हुआ, थीटा एंगल से रोटेट हुआ। So due to that rotation, a restoring torque produces phosphorus bronze spring, air spring. क्या produce हुआ? Air spring के अंदर आपका क्या हुआ? Restoring torque produce हुआ। और restoring torque कैसे होगा? tau restoring, that is c theta। c क्या है आपका? स्प्रिंग का टॉर्सन कॉन्स्टेंट। क्या है? टॉर्सन कॉन्स्टेंट। तो ये जो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से सेटअप हुआ और ये रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। tau एक्सटर्नल टाउ रीस्टोर। तो क्या हुआ देखिए, एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा। तो आई की वैल्यू हो गई सी अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। तो क्या हुआ देखिए, टॉर्सन कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न कॉइल के अंदर कॉन्स्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल कॉन्स्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है। तो यहां क्या हो गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, कॉइल के अंदर रोटेशन होगा। तो जितना ज्यादा सर्किट के अंदर करंट होगा, कॉइल उतना ही ज्यादा रोटेट होगी, उसे अटैच पॉइंटर सर्कुलर स्केल पर उतना ही ज्यादा क्या करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब देखिए, ये जो सी अपॉन एन ए बी है ये कॉन्स्टेंट है, ये सारी टर्म्स कॉन्स्टेंट है। तो आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा। जी क्या है? जी इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। जी को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। एस जी की वैल्यू है सी अपॉन एन ए बी। क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स आपके क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्या है? इज इट क्लियर? वर्किंग समझ में आया? एनी डाउट? वंदन, मान्या,
ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल आपके सिलेबस के अंदर आता है, वो क्या है, डिटरमाइन द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोनोमीटर एंड कन्वर्ट इट अ गैलोनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट। ये दो प्रैक्टिकल है। पहला प्रैक्टिकल क्या है, डिटरमाइन द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोनोमीटर बाय यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, और दूसरा है कन्वर्ट अ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये दोनों प्रैक्टिकल है जो आपको कैलकुलेट करने रहते हैं, ठीक है। तो हम दोनों प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, वो यहां सीखने हैं, ठीक है। वो लॉजिक आपको प्रैक्टिकली उस प्रैक्टिकल्स में अप्लाई करना है। तो हम अब हमारा जो मेन नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैलोनोमीटर विच इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, और उसी के बाद हमारा आएगा टॉपिक कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट, कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट, ठीक है। तो देखिए इस ये जो टॉपिक हमने मैंने अभी डिस्कस किया, ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर कैसे रहता है, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आपको बताना रहता है, और फिर एक सब पार्ट जो है या तो सेंसिटिविटी से पूछा जाता है या फिर कन्वर्जन से रिलेटेड पूछा जाता है कि हाउ टू कन्वर्ट द गैलोनोमीटर इनटू एमीटर या वोल्ट मीटर, और इसमें से कोई एक पार्ट पूछा जाता है, या उसका न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं या फिर कन्वर्जन पूछ लेते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको ये चीज पूछ लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोनोमीटर एंड सेंसिटिविटी ऑफ गैलोनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोनोमीटर। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, ये जो गैलोनोमीटर कांस्टेंट है, इसी गैलोनोमीटर कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। देखिए अभी हमने डिराइव क्या किया, I इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू थीटा, सो I बाय थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलोनोमीटर कांस्टेंट या फिर फिगर ऑफ मेरिट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवीजन तो G इज इक्वल टू I, थीटा की वैल्यू 1 डिवीजन हो जाए तो सो फिगर ऑफ मेरिट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल विच प्रोड्यूस द रिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन इन द गैलोनोमीटर, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट